नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर के, तो जिसे हम बनाएंगे पालक के और मूली के पत्ते से। तो ये हमने ले लिया है आधा किलो पालक और ये 5-6 मूली के पत्ते ले लिए, जिसे अच्छी तरीके से मतलब तोड़ करके और धो लिया है, साफ़ कर लिया है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया से थे ये, देखिए पत्ते, तो इन्हें हमने ले लिया, अच्छे से धो लिया है। तो चलिए इन्हें हम काट लेते हैं पहले। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मूली के पत्ते को हमने इस तरीके से काट लिया है और पालक को भी इस तरीके से काट लिया है। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। सबसे पहले गैस पे हमने कढ़ाई रख दी, उसमें तेल डाल दिया है। तो ये हमने सरसों का तेल डाला है, आप जो तेल खाते हो वाला यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अगर कोई भाजी बना रहे हैं, चाहे वो पालक की हो, मेथी की हो या फिर मूली की हो, तो उसमें आप ये सरसों का तेल से बनाइएगा ना, तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बन करके तैयार होती है। और अगर चने की भाजी बना रहे हैं तो उसमें ज़रूर आप सरसों का तेल यूज करिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भाजी बना रहे हैं, जैसे पालक की बना रहे हैं, मूली की, मेथी की और चने की भाजी, मतलब कोई भी भाजी बना रहे हैं ना, तो आप सरसों के तेल से बनाइए, तो बहुत ही टेस्टी है भाजी आपकी बन करके तैयार होती है। तो इसमें हमें डाल देना है लहसुन की कलियाँ, इस तरीके से थोड़ा सा हिला लें। मेथी दाना डाल देंगे, तो लहसुन और मेथी हमारी भुन गई है, इसमें हमें डाल देना है हरी मिर्च, इसे भी थोड़ा सा इस तरीके से हिला लें। प्याज डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा पका लेंगे, थोड़ी सी इस तरीके से जगह बना लें। जीरा डाल देंगे, जीरा को इस तरीके से थोड़ा सा पहले भून लेंगे अच्छे से, जीरा भी भून गया है, मिक्स कर लेंगे। एक आलू हमने लिया था, उससे काट लिया था इस तरीके से, इसे भी डाल देंगे। तो आलू इसमें ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही डाल दिया है एक आलू। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आलू हमारी अच्छी तरीके से भुन गई है, प्याज भी भुन गई है, आप इसका कलर देख सकते हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपको यहीं पर डालना है, भाजी में नहीं डालिएगा, यहीं पर डालिएगा, ताकि हल्दी अच्छी तरीके से भुन जाए, कच्चा कच्चा सा ना लगे। और अब इसमें हमें डाल देना है पालक और इसे भी इस तरीके से चला लें। तो हमने इसमें 2 मुट्ठी पालक डाला है और अब हमें 2 मुट्ठी मूली के पत्ते डाल देना है, इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब बची हुई पालक को डाल देंगे, पूरी मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, बची हुई मूली के पत्ते भी डाल देंगे पूरे, और इस तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब इसे इस तरीके से ढक्कन से कवर कर देंगे, गैस को धीरे कर देंगे और बीच बीच में से खोल खोल करके चलाते रहेंगे। तो चलिए इसे फिर से खोल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये हो गई है। तो अभी तक हमने इसमें टमाटर नहीं डाला था और अब हम इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, मिक्स कर देंगे, फिर से ढक्कन से कवर कर देंगे और धीमी आंच पे इसे पकने देंगे। तो इसे पकते हुए 20-25 मिनट हो गए हैं, तो इससे पहले हमने इसे 3-4 बार खोल खोल करके चला लिया था। तो चलिए फिर से खोल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी भाजी बहुत ही बढ़िया तरीके से पक करके तैयार हो गई है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। और ठंडियों के मौसम में बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूली के पत्ते आते हैं और पालक आती है, तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस तरीके से भाजी को हम सर्व कर लेंगे। चलिए फिर से देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या सामग्री डाली है। मूली के पत्ते, पालक, आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसे इस तरीके से सर्व कर लिया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।